बंदो सदगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज शुभ नाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत इत्याद देत सुख पावने हक बका निस्वत हक बका निस्वत। इन झूठी जिमी में बैठाय के प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें यहां ब्रह्मवाणी दी है। अपने उस स्वरूप की पहचान देने के लिए जो आज तक कभी हो नहीं सकी थी। खिलवत का अर्थ होता है बोलचाल की भाषा में अंतःपुर, जिसमें राजा और रानी रहते हैं या प्रिया प्रियतम रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, और उन दोनों के सिवा किसी तीसरे का प्रवेश नहीं हो सकता है। हम कौन हैं ये हम स्वयं नहीं जानते। यदि तारतम वाणी का प्रकाश न मिले तो यह जितने सुंदर साथ हैं जो पुरुष की आकृति धारण किए हैं उनका नाम पुरुषवाचक शब्दों के साथ है। माताएं बहनें जितनी हैं उनके जीव ने स्त्री का तन धारण किया है और उनके शरीर का नाम भी स्त्रीवाचक शब्द में रखा गया है। यह शरीर कहाँ से पैदा हुआ, किस कुल गोत्र से जुड़ा हुआ है, बस इतनी सी पहचान है या रंग रूप से पहचान है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को तो नहीं जानते। दुनिया के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ लें तो इतनी पहचान हम कर पाएंगे कि मैं शरीर से इंद्रिय से अंतःकरण से परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य जीव हूँ। यह जीव की पहचान है। मेरी आत्मा की पहचान क्या है ये हम नहीं जानते। वाणी पढ़कर इतना जान सकते हैं कि परात्म की नज़र इस खेल में आत्मा के रूप में आकर खेल को देख रही है। परम धाम में रहते थे तो इतनी पहचान थी केवल कि हम राज्य की अर्धांगनी है, लेकिन ये पूर्ण पहचान नहीं कही जा सकती। क्या निस्बत की पहचान हमको थी? ये को हो रहा है बार बार, देखिए। निस्बत की पहचान हकीकत की हमारी थी लेकिन वो पूर्ण पहचान नहीं थी। वो सारी पहचान देने के लिए राज्य ने एक खेल बनाया है। परम धाम की जिस खिलवत की बात कही जा रही है जिसमें राज्य श्यामा जी सखियाँ खूब खुशहालियाँ अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अक्षर ब्रह्म सतंग है, इसकी खिलवत में वो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं सत की वाहदत में वो भी है। इसकी वाहदत और है, सत की वाहदत और है, क्योंकि अक्षर और अक्षराती दो नहीं है। इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। अक्षरातीत किसको कहते हैं? जो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। आनंद की लीला इश्क के द्वारा श्यामा जी और सखियों के साथ होती है, खूब खुशहालियों के साथ होती है, महालक्ष्मी के साथ भी होती है। जिन्होंने वाहदत की मारिफत को जाना है वो जानते हैं कि महालक्ष्मी को वही सुख है जो श्यामा जी और सखियों को है। प्रश्न एक खड़ा होता है कि परम धाम के पांच स्वरूप हैं राज्य श्यामा जी सखियाँ अक्षय ब्रह्म और महालक्ष्मी। चार को तो इश्क की वहदत का सुख मिल रहा है, एक बेचारे अक्षर ब्रह्म को किनारे कर दिया जाता है।
और हम सुंदर साथ इसके का इतना अभिमान रखते हैं कि अक्षर ब्रह्म को हमें सब बेचारा कहकर बोलते हैं या रे करके बोलते हैं। हमको यह पता नहीं होता कि जो अक्षर है वही अक्षर अतीत है, कि वो लीला भेद है। पांचों अद्वैत एक ठोर अभी तक के मंगलाचरण में स्पष्ट कर दिया है कि इनमें किसी प्रकार की विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हमने लीला को देखा है। लीला करने वाले स्वरूपों की वास्तविक पहचान नहीं की तब हम ये कह देते हैं कि अक्षर ब्रह्म तो कुछ नहीं जानता, इसलिए क्योंकि उस स्वरूप को इसकी वहदत में नहीं डाला गया, सत्य की वहदत में डाला गया। पहले लिया हक के दिल में, पीछे आया माहेन और ता पीछे हाथी रुहन में यो कर हुआ जोर। राजी ने अपने दिल में लिया कि मुझे अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए सखियों को माया के संसार में भेजना होगा, तो अक्षर के अंदर ये इच्छा पैदा हो गई कि मैं क्यों न परमधाम की लीला का आनंद देखूं। जो राज्य के दिल में आएगा वह अक्षर के दिल में भी आएगा, लेकिन जो सत्य से संबंधित बात होगी वही इश्क और आनंद से संबंधित जो बात होगी वो अक्षर के हृदय में नहीं आएगी, वो श्यामा जी के अंदर आएगी, और जो श्यामा जी के अंदर बात आएगी वो अक्षर के अंदर नहीं आएगी। दाएं हाथ का काम कुछ और है, बाएं हाथ का काम कुछ और है। हमारे दाहिने हाथ में फोड़ा हो जाए तो बाएं हाथ में हम नस्तर नहीं छुपाएंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। दाया हाथ जल जाए तो बाएं हाथ में पट्टी नहीं बांधेंगे। दोनों मेरे ही हाथ हैं लेकिन दाएं हाथ का काम अलग है, बाएं हाथ का कलम अलग है। इश्क की लीला का कार्य कोई और कर रहा है, आनंद की लीला का कार्य कोई और कर रहा है, दोनों एक ही अक्षरातीत के अंग हैं। इसको इस दृष्टांत से बस समझा जा सकता है। ये माया का खेल क्यों दिखाया गया? कराने हक पहचान, अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए, निस्बत की पहचान देने के लिए, क्योंकि लीला ऐसी चीज है, लीला में आनंद तो आता है। अभी रास की रामते आप 24 तारीख को देखेंगे, सवारी निकलने के पश्चात काफ़ी रामते खेली जाती है, पूरी रात रामते खेली जाती है। पूरे देश में भी रास की लीलाओं का आयोजन होता है और नवरात्र में तो पूरा गुजरात डांडिया रास में मग्न हो जाता है। डांडिया वाले को ये भी नहीं पता कि उछल कूद क्यों हो रही है। उछलना कूदना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं इसका पता केवल वाणी दे सकती है। हाँ, दुनिया ब्रजराज की लीलाओं की नकल करके डांडिया रास का आयोजन करती है, किंतु ये जागनी लीला के ब्रह्मांड में उन सारे रहस्यों को उजागर होना है जो आज तक कभी नहीं हो पाए थे। अक्षरती धामधनी ने अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए खेल बनाया। प्रेम का वास्तविक आनंद कब होता है? जब स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। अधूरी पहचान पूर्ण आनंद नहीं दे सकती, यह सत्य है। परम धाम को कभी अपूर्णता के घेरे में नहीं बांधा जा सकता। पूर्ण में पूर्ण मिलाएंगे तो पूर्ण रहेगा, अनंत में अनंत से जोड़िए, अनंत से भाग दीजिए तो भी अनंत ही बचता है। दो में दो से भाग देंगे तो शून्य हो जाता है। दो में दो से गुणा करेंगे तो चार होगा। दो में दो घटाएंगे तो भी शून्य होगा। लेकिन परम धाम अनंत है, अनंत में अनंत घटाएं तो अनंत बचेगा, अनंत में अनंत से भाग देंगे तो भी अनंत बचेगा। लेकिन एक बात कही जा रही है कि निस्बत की पूर्ण पहचान के बिना इश्क का आनंद पूर्ण नहीं माना जा सकता। पूर्णता में अपूर्णता का एहसास, ये इस खेल की विशेषता है। मैं हक अर्श में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। हक अर्श में जुदा जानने का तात्पर्य क्या है? सखियां राज्य को रिझाती हैं लेकिन उनको ये पता है केवल कि हम राज्य की अर्धांगनी हैं। अर्धांगनी का अर्थ क्या होता है? आधा अंग। स्त्री और पुरुष के मिलने से मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। सूर्य से उसकी तेजस्विता निकाल दीजिए तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त। चंद्रमा से चांदनी निकाल दीजिए तो भी चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त। फूल से सुगंध और सौंदर्य को निकाल दीजिए तो फूल के अंदर बचा क्या है? उसी तरह से अक्षरातीत के अंदर से प्रेम और आनंद निकाल दीजिए तो अक्षरातीत का स्वरूप कैसा रहेगा?
वो सच्चित आनंद नहीं कहला सकते। हमको ये पता नहीं था कि हम कौन हैं। ब्रह्मशिष्ट कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत अक्षरातीत और उनकी अंगनाओं में कोई भेद नहीं है, लेकिन यह बात अंगनाओं को खुद पता नहीं थी, क्योंकि हम अक्षरातीत को क्या कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं, प्राणेश्वर कहते हैं, प्राणवल्लभ कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि अक्षरातीत भी हमें प्राणेश्वरी कहते हैं, प्राणवल्लभा कहते हैं, प्राणजीवन कहते हैं। ये बात बतानी थी और बिना खिलवत के रहस्य को जाने बिना यह संभव नहीं था, और इस खेल में जब तक ब्रह्मवाणी का प्रकाश न फैले तब तक कैसे कोई जान सकता था। हमारे सामने दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, खेल और खिलवत। खेल में हम डूबे हैं या खिलवत में डूबे हैं? जब हम खेल को देखते हैं, खेल में मग्न हो जाते हैं, तो शोर मचा कर कहते हैं कि हमसे खिलवत का सुख छूट गया। ये पता नहीं कि राज जी ने हमारे दिल को खिलवत किया हुआ है। जब हमारा दिल अर्श हो गया तो हमारे दिल में भी खिलवत का सुख हो सकता है, हमारे दिल में वहदत का सुख हो सकता है, इश्क का सुख हो सकता है, लेकिन उस भूंगा की कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध करना होगा। ए होए न बिना निस्बति है, इथि हुई वहदत वहदत निस्बत एके, तो क्यों जुती कही है खिलवत। पूछा जाए क्या हमसे खिलवत अलग है, सब सुंदर साथ कहेंगे हमें राजी श्यामा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो खिलवत तो अलग ही है। सबकी अलग अलग विचारधारा है, सब आपस में लड़ रहे हैं। 40 लाख का हमारा समूह सुंदर साथ एक मंत्र के नाम पर लड़ रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहा है। बेचारे भोले भाले सुंदर साथ को पता ही नहीं हम कौन हैं, कहाँ और हमारा मूल स्वरूप क्या है। जैसे दुनिया वाले लड़ते हैं कि मुकुट दाईं तरफ झुकना चाहिए कि बाईं तरफ झुकना चाहिए, गणेश जी का मुख दाईं तरफ होना चाहिए कि बाईं तरफ होना चाहिए, इसके लिए लड़ाइयाँ होती हैं। हम भी तो लड़ते हैं क्योंकि हमें राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है। हम तो नौधा भक्ति का सहारा लेकर संसार वालों के पीछे भागते फिरते हैं। रात्रि को शयन आरती कराई जाती है, सब सुंदर साथ घरों में भी सेवा बदराए रहते हैं तो राज्य को शयन कराते हैं। क्या आप कहते हैं राज्य को शयन करा दो? प्रश्न है क्या सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान भी सोएगा? यदि सोएगा तो परम धाम सोया रहेगा या जगा रहेगा? ये सारी बातें अलंकारिक भाषा में कही जाती हैं। जब आप सो जाते हैं तो स्वयं को भूल जाते हैं। सोते समय जब आप गहरी निद्रा में हैं, कोई आपकी आकर महिमा गा दे और आप सवेरे उठे आपसे पूछे कि मैंने आपकी स्तुति इतनी किया था, आप बोले नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो सो रहा था। आपके कानों तक आपकी ध्वनि तरंगे पहुंच रही हैं लेकिन आपका जीव उसको ग्रहण करने में असमर्थ रहा। आपके कान हैं लेकिन आपके कान की इंद्रिय शक्ति ने, आपके मन ने, आपके जीव ने उसको आत्मसात नहीं किया। बोलचाल में कह दिया जाता है कि मरे हुए और सोए हुए में ज़्यादा भेद नहीं होता, इतना ही भेद होता है कि मरे हुए की श्वास नहीं चलती है, धड़कन नहीं चलती है, सोए हुए की श्वास चलती रहती है, धड़कन चलती रहती है। उसका मन या तो सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है। जब निष्क्रिय होता है तो गहरी निद्रा में होता है, सक्रिय होता है तो स्वप्न देख रहा होता है। पांचवी भूमिका में सब सुंदर साथ क्या जानते हैं, रंग प्रवाली का मंदिर है, यानी ऐसा मंदिर जिसकी दीवार छत सब कुछ प्रवाल रंग की हो। प्रवाल का रंग क्या होता है, एकदम लाल। लाल रंग क्या है, प्रेम का प्रतीक है। यहाँ के भावों से परम धाम के लीला और शोभा को केवल समझाया गया है, ऐसा नहीं चाहिए समझना चाहिए कि सचमुच ऐसा है। अर्श का वर्णन किया ले मसाला इत का, यहाँ के दृष्टांतों से वर्णन किया जा रहा है। प्रेम का प्रतीक है लाल रंग। किसी नव युवा युवती का विवाह हो तो क्या उनको काले वस्त्र पहनाए जा सकते हैं? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं गुलाबी वस्त्र या लाल रंग ही पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है। रंग प्रवाली मंदिर का रंग लाल बताया गया है, यानी प्रेम का वो महल हो।
जिसमें प्रिया और प्रीतम लीला विहार करते हैं। जैसे सोते समय आप स्वयं को भूल जाते हैं, उसी तरह राज्य के अंदर से सारा परमधाम जो अव्यक्त था व्यक्त रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। एक प्रश्न होता है, जैसे आप इस सेठ के अंदर बैठे हैं, तो सेठ बनाया गया तो आप बैठे हैं, सेठ पहले से नहीं था, परमधाम पहले से है कि राज्य पहले से है, इसका उत्तर कौन दे सकता है? पहले राज्य है या परमधाम है, परमधाम में राज्य है या राज्य में परमधाम है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। जब से राज्य है तभी से श्यामा जी और सखियां हैं कि राज्य ने सखियों और श्यामा जी को प्रकट किया, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। आधुनिक विचारक कह देते हैं ना, पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, ये बातें चला करती है। हम तर्क के सहारे तो कह देते हैं कि कारण होगा तो कार्य होगा, लेकिन परमधाम में ये बातें घटित नहीं हो सकती। परमधाम में कोई किसी का कार्य कारण नहीं है। जब से मैं हूँ तब से मेरे नेत्र हैं, और जब से मेरे नेत्र हैं नेत्र की ज्योति भी तब से है। जब से चंद्रमा है तब से उसकी चांदनी है, जब से सूर्य है तब से उसकी तेजस्वता है, जब से फूल है तब से उसकी सुगंधि है, जब से सौंदर्य है तब से उसकी कांति है। इसी तरह से जब से राजी हैं तभी से परमधाम है, और तभी से श्यामा जी हैं सखियाँ हैं, दोनों में भेद नहीं। सागर है तो सागर की लहरें भी साथ साथ रहेंगी। अंतर इतना ही है कि लहरें कभी अव्यक्त होती हैं कभी व्यक्त होती हैं। अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत सौंदर्य, अनंत कांति का सागर है, और वही जब व्यक्त रूप में दृष्टिगोचर होता है तो श्यामा जी का स्वरूप क्रीड़ा करने लगता है, सखियों का स्वरूप क्रीड़ा करने लगता है, 25 पक्षों का स्वरूप क्रीड़ा करने लगता है। हमको लीला में समझाने के लिए कहा जाता है कि एक रंगमहल है, एक हौज कौसर है, एक पुखराज है, एक मानिक पहाड़ है, मानिक पहाड़ के हिंडोले हैं, महानद के हिंडोले हैं, आठों सागर हैं, सागर के बीच में टापू महल आए हैं। ये सारी बातें हमारे चंचल मन को परम धाम में लगाए रखने के लिए अलग अलग रूपों में दर्शाई जाती हैं। और लीला रूप में कहा जाता है कि रंग प्रवाली मंदिर में हर ब्रह्मात्मा के अंदर से राज्य का स्वरूप प्रकट होता है और प्रेम की लीला करता है। आप यदि अपने को ब्रह्मात्मा का रूप मानते हैं, आप शरीर और संसार से परे हो जाते हैं, तो इस बात को समझ लें कि हमारे अंदर से राज्य का स्वरूप प्रकट होता है और हमारे से लीला करता है। यह इतनी सी बात इस जागनी लीला में पता चल जाए तो इतनी बैठे बका घर हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ते तो हैं लेकिन यह बात आत्मसात नहीं कर सकते कि हमारा दिल धनी का धाम है और हमारे ही धाम हृदय से अक्षरातीत का स्वरूप लीला रूप में प्रकट होता है। प्रसंग चल रहा था कि पांचवी भूमिका में कैसी लीला होती है कि क्या सब सो जाते हैं। जब शयन लीला की बात आती है, कोई भी समझाता है कि पांचवी भूमिका में शयन लीला होती है, तो हम भी मान लेते हैं कि सचमुच राजी श्यामा जी और सखियां सोए रहते हैं। सोने को लीला कहाँ मानते हैं? यह है, प्रेम में दोनों इतने डूब जाते हैं कि न राजी को पता है कि मैं राजी हूँ, और न सखियों को पता है कि मैं सखियां हूँ, न श्यामा जी को पता होता है कि मैं श्यामा जी हूँ। श्यामा जी जानती हैं कि केवल राजी हैं, सखियां जानती हैं कि केवल राजी हैं, हम नहीं हैं, और राज्य जानते हैं कि केवल सखियां हैं, केवल श्यामा जी हैं। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, रो अजो क्यों न हो टुक टुक। मासूक तुम्हारी अंगना, प्राणेश्वर अक्षरातीत, मैं आपकी अंगना हूं और आप मुझसे प्रेम करते हैं। तुम अंगना के मासुक, लेकिन मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। सागर और लहरों में कोई भेद नहीं है, दोनों अंग अंगी हैं, और अंग और अंगे का भेद भी केवल यहाँ समझने के लिए है। परमधाम में वहदत है। जैसे
आम का एक पेड़ फला हुआ है, हजारों आम के पेड़ उसे दिख रहे हैं। आम की गुठली में सामर्थ्य होती है कि पुनः एक नया पेड़ पैदा करे और उस पर हजारों पेड़ पुनः उत्पन्न कर दे। इसको एक दृष्टांत के रूप में समझिए। ये तो आम की गुठली कारण है और वृक्ष उसका कार्य, लेकिन वृक्ष से ही आम का फल लगा है जिसमें गुठली है, तो कहीं वृक्ष भी कारण है और गुठली और फल उसका कार्य। इसी तरह से लीला रूप में जब एक ही तत्व है, राज्य के सिवा कोई दूसरा नहीं है, जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, वहाँ की धरती आत्मा का स्वरूप है, वहाँ की हवा आत्मा का स्वरूप है, आकाश आत्मा का स्वरूप है। आप ये मत सोच लीजिए कि मूल मिलावे में जो 12,000 सखियाँ बैठी हैं यही रूहें हैं, वहाँ की धरती आत्मा है, आकाश आत्मा है, बहती हुई हवा भी आत्मा है, राज्य के वस्त्र और आभूषण भी आत्मा है, जो जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं उस सिंहासन भी आत्मा है। एक अक्षरातीत के सिवा कोई दूसरे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। यदि कोई दूसरा हो गया तो उसको खिलवत नहीं कर सकते। खिलवत में तो केवल राज्य हैं, श्यामा जी और सखियाँ हैं, श्यामा जी और सखियों के बीच में भी कोई दूरी नहीं है। हमको समझाने के लिए कहा जाता है कि हादी नूर है हक्का, रूहे हादी अंग नूर, राज्य के अंग श्यामा जी और श्यामा जी के अंग सखियाँ। हमारी बुद्धि और उन्होंने हकीकत के रूप में श्यामा जी सखियों परम धाम के 25 पक्षों खूब खुशहालियों को प्रकट किया है। अब क्या है, सखियों के हृदय से राज्य प्रकट हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, सखियों के हृदय में कौन बैठा है, वही अक्षरातीत। सखियों का तन किसका है, राज्य का। तुम रूहे नूर मेरे तन का, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, मेरी हृदयेश्वरी हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। किसी के शरीर से यदि रूह आत्मा निकल जाए तो उसके शरीर को क्या करते हैं, आग में जला देते हैं या मिट्टी में गाड़ आते हैं। परम धाम की ब्रह्मात्माओं को हटा दीजिए, आनंद की लीला, इसके लीला को समाप्त कर दीजिए, तो उसको